रामकृष्ण परमहंस अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान थे, मगर उनको पूर्ण ढंग से कुंडली जागरण हुई नहीं थी। उनकी तो स्थिति यह थी कि वो शादी में नहीं गए रामकृष्ण परमहंस, और किसने बोल दिया काली काली बोल दी, बेहोश हो जाते और मूर्छ आ जाती थी और झाल में लग जाते थे और काली काली से लगने लग जाते। बड़ा एक संयम, ये नहीं है कि रामकृष्ण परमहंस जैसा संत नहीं मिल सकता, अगले दो तो दो साल में भी ऐसा संत पैदा नहीं हुआ, मगर उन्हें जागरण अपने आप में एक अलग क्रिया है, उच्च कोटि की क्रिया है। सातों चक्र जागरण हो जाना जीवन का एक उच्च कोटि का पर्याय है, एक जीवन की श्रेष्ठता है। इसी प्रकार से हिमाचल में मैं कभी सोच भी नहीं सकता, मनाली के अलावा तो कैसी रोहता अवशिष्ट और ये ठाकुर वगैरह मिलकर के उन्होंने आधे हिमाचल को पार कर लिया है, सब जगह चेतना फैला दी है। एमपी में देखिए, यूपी में देखिए, हरियाणा में देखिए, गुजरात में देखिए, सोचा भी नहीं था 10 साल से तो मैं गुजरात गया ही नहीं था, मैं गुजरात में प्रवीण जोशी और ये रमेश भाई प्रजापति रमेश भाई दोनों तीनों ने मिलकर के निश्चय ये ही कर लिया कि पूरे गुजरात में हम आपके इस कार्य को बढ़ा ही देंगे। ये विश्वास हमने लगाया, जब कहना है कि मेरे हाथ ये मेरे पांव है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरे जीवन है, ये मेरी धड़कन है, और इनको जो काम सौंपा है प्राणपण से काम करने के तैयार है और कर रहे हैं, और अपना घर बार सब कुछ भूल करके काम कर रहे हैं। घर बार तो फिर भी मिल जाएगा, मुझे घर मिल करके क्या मिल गया, इस घर से मुझे ये मिला कि एक पत्नी मिल गई, 3-4 लड़के मिल गए और एक पत्थर का मकान मिल गया और उसमें कैद होकर में रह गए, क्या मिला मुझे। मैं पूरे ब्रह्मांड में घूमने वाला व्यक्ति एक 8 फुट की कार में कैद होकर रह गया, ये मेरी कोई उन्नति नहीं हुई। सन्यासी कहते हैं कि आप उन्नति कहां से, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर आप 1 सेकंड में चले जाते थे, अब आप कार में बैठ करके घूमते हैं, कौन सी आपकी विशेषता। तो कार क्या काम आएगी मेरे साथ, न तो कार जाएगी और न ये मकान जाएगा, न ये घर जाएगा, बाहर ये जीवन है भी नहीं। ठीक है, इस जीवन मुझे इसलिए रहना पड़ा है कि इसके साथ मेरे गृहस्थ जुड़े हुए, और तुम शिष्यों से और साधकों से और साधिकाओं से कुछ ऐसा जुड़ाव, कुछ ऐसा अपने कैसा ऐसा अटैचमेंट सा बन गया है, या तो मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव भावुक हूं, या आपने कुछ मेरे ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है कि मंत्रों से उसको अलग नहीं कर सकता, कोई वशीकरण कर दिया है, कोई तोड़ नहीं है मेरे पास। मैंने कई बार उस वशीकरण को तोड़ने की कोशिश की, मैंने कहा चलो छोड़ो, ये गर्भा की चिंता नहीं है तो इनकी तुम चिंता क्यों करते, छोड़ो, मगर आपका वशीकरण प्रयोग बहुत स्ट्रांग है, किसी को ज्ञात हो तो मुझे सिखा दें तो मैं भी आगे सिखा सकूंगा। उनके आंसू आंसू होते हैं, उनकी गला रुक जाता है, वह अपना भाव बल हो जाते हैं, वे बिना देखे रह नहीं पाते, अपने आप को जीवन को होम देते हैं। ठीक है, उनकी सामाजिक मर्यादाएं व्यवस्था है, मजबूरियां हैं, मैं इस बात को समझता हूं, गृहस्थ की मजबूरियां होती हैं, संन्यास की भी मजबूरियां होती हैं, मगर मजबूर जैसे बंधे हुए नहीं है, आप बंधे हुए हैं यह कमी है। क्या हो जाएगा इसके, क्या आपके पास मान लो कैडले गाड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गाड़ी तो वो गाड़ी है, चाहे वो कैडलक हो, चाहे शेड गाड़ी हो, चाहे फोर्ड गाड़ी हो, चाहे कोई गाड़ी हो। मैं तो बैलगाड़ी में बैठा है, उसी दिन से मुझे आनंद आ रहा था, बैलगाड़ी में सुन बैठा था तब भी, और आज सैलम बैठा हूँ तब भी, और फोर्ड में बैठा हूँ, BMW में बैठा तब भी। ये मेरे जीवन का पर्याय हेतु है, अपना अपना आनंद है, मुझे तो होटल में जाने में कोई आनंद आपको होता ही नहीं, मैं साधकों के बीच में अगर होता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उनके मेरे बीच में 30 लाख कोई व्यक्ति हवा भी बीच में नहीं आती है आपके मेरे बीच में, आदमी तो बहुत बड़ी बात है, वापिस मुझे नहीं। मैंने सुबह कहा था गोविंद पादाचार्य के बारे में कि शंकराचार्य की मृत्यु नहीं हुई, एक युग की मृत्यु हो गई, गुरु ने कहा शिष्य के लिए, एक व्यक्ति को नहीं मारा, पूरा एक युग अंधकार में ग्रस्त हो गया और वास्तु अंधकार में ग्रस्त हो गया, शंकराचार्य के बाद में कोई ज्ञान चेतना देने वाला नहीं रहा, रात को युग आ गया और राग रंग भोग विलास ऐश आराम में लोग डूब गए, मुगल काल आ गया और उसके बाद रक्तपात हुआ और बहुत कुछ जीवन का हमारे धार्मिक ग्रंथ खत्म हो गए, अंग्रेज आए और सब कुछ अंधकार में ग्रस्त हो गए, शंकराचार्य के बाद ज्योति बंद हो गई, गोविंद पादाचार्य ने बिल्कुल सही कहा,
उसने कहा कि ये व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, एक युग की मृत्यु है। और अगर उसके जीते इसने ये कहा कि उनका चरण स्पर्श जिसने भी किया है वो तो अपने आप में उच्च कोटि का व्यक्तित्व बन गया है। हाथ मिला देना, जीवन में पूजाओं में भर देना, अपने शरीर को एकदम से मान देना उसके शरीर को, यह तो शायद कई कई जन्मों के पुण्यों का फल होगा जिन्हें शंकराचार्य को अपने सीने से लगाया होगा, अपने हाथों में समेटा होगा, अपने पाओ में समेटा होगा, वह तो जीवन का स्वर्णिम प्रभात होगा। और वास्तव में गोविंद पादाचार्य के शब्दों को एहसास करता हूं कि उसके बारे में कितनी कातरता होगी, कितना दुख होगा, कितनी वेदना होगी, कितनी कठिनाई से उस शिष्य को एक जुंजारू बनाया होगा। करियर तो एक दो प्रकार, आज ये प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, ये प्रयोग आपके जीवन का। मैं तो चाहता हूं कि आप में से सफलता प्राप्त करें, सबके सब सफलता प्राप्त करें, क्योंकि कोई बेटा न कपूत होता है न सपूत होता है, उनकी खुद की प्रवृत्तियां कपूत और सपूत होती है, वो अपने अपने भोग भोगता है। वो आदमी या तो शिष्य मुझे दुख देंगे या सुख देंगे, बीच में कुछ नहीं रह पाएगा। दुख देंगे तभी मैं भोग लूंगा, तो दुख तो कई बार भोगा है, मैं जब पैदा हुआ तो दुख और वेदना में साथ पैदा हो गए दोनों। अब जो जुड़े भाई हैं या जुड़े बहन हैं, अब मैं उसको छोड़ के जाके कहां सकता हूं? जहां भी जाऊंगा कोई ना कोई तो वेदना आएगी, कोई को दुख आएगा, कोई को तकलीफ आएगी, कोई को समस्या आएगी, कोई को अड़चन आएगा। भाई बहन है तो पास में बैठाता हूं, जहां भी जाता हूं घंटे पर बाहर कोई नई समस्या आती है, इस बात की चिंता करता ही नहीं। और अगर समस्याएं बाधाएं आएंगी नहीं तो फिर मेरा मनुष्य जीवन की सार्थकता ही क्या है, फिर मनुष्य बना ही क्यों? जीवन में बाधाएं अच्छे आए और उनको पार करें, समुद्र के लहरें आए 50 फुट की और हम उसको पार कर सकें, ये हमारे जीवन की श्रेष्ठता है, ये हमारे जीवन की उच्चता है, ये हमारा साधक है। इसलिए बहुत जल्दी दीपावली आ गई, मैं तो सोच रहा था कभी दो दिन और मिलेंगे, अभी बैठेंगे, मगर अभी बताया गया कि 2-3 घंटे बाद तो लक्ष्मी पूजन करा करके आपको बधाई करेंगे। न तो देख पाया आपको ढंग से, न आप ढंग से मुझे मिल पाए, और एक छटपटा आज वेदना एक रही मेरे मन में तो रही, मगर मिलने में आनंद इतना है ही नहीं। ग्रह में जो आनंद है वह एक अलग आनंद है, या इंतजार वापस रहेगा कि थोड़ा शिवरात्रि होगी आपस मिल जाएंगे, तो आएगा। विरह में जितने ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब विरह के लिखे गए, मिलन का तो ग्रंथ ही नहीं आया, मिल गया आगे क्या, विरह में आएगा, ऐसा आएगा, इधर से आएगा, इसके आँख होगी, ये बात आएगा, बात कपड़े पहने, विरह में तो सुखी सुख है, मगर विरह के बाद मिलन भी होना चाहिए। तो नहीं दिन में विरह करते ही रहेगा, वह सबसे बड़ा घटिया काम तुम्हारे लिए मेरे लिए तकलीफ दायक हो जाएगी, या तो मुझसे प्रेम करना ही, तुम्हें पहले ही दूर रहना था, किया अब ये समस्या और भी समस्या पैदा कर देना मेरे लिए, और समस्या हो जाएगी। हर चेहरा मुझे याद, मेरे आंख में प्रत्येक का बिंब है, अगर आप मेरे आंख में देखें तो प्रत्येक का फोटो साथ में दिखाई देगा। और उसके बाद उससे उच्च कोटि की दीक्षा आज तक पिछले 5000 शंकराचार्य के समय से भी पूर्व, शंकराचार्य जिंदगी भर तरसता रहा कि मुझे राज्याभिषेक दीक्षा मिले। गोविंद पादाचार्य ने कहा कि ये दीक्षा मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूं, आप उनके पास से पड़े हैं, जिंदगी भर भटकते रहे, उनका तो मेरी सहसा जागरण हो, उन्होंने जीवन लिखा है, मैं क्रिया योग हूं। और उसके लिए कई सन्यासी से गांधी जी मिले, उनका क्रियायोग मैं आपको सिखा ही नहीं सकता, मुझे खुद को क्रियायोग आता है। क्रियायोग जैसी वस्तु और क्रियायोग से भी कई गुना ऊंची राजयोग, ये प्रत्येक के बस की बात नहीं है कि राजयोग दीक्षा दे सके, उसके लिए बहुत बदलता हुआ एक दिन से थोड़ा होना चाहिए, एक साधना की ऊर्जा होनी चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, तब राजयोग दीक्षा दी जा सकती है। और पिछली बात यह जनवरी को आप नया साल दो तरीके से मना सकते हैं, ईस्वी स्वर्ग, या तो रात को शराब पिए तो फिर में गाने गाए, धीरे धीरे अभी क्या जीना और जो कुछ भी पंखियां लड़ा के जिया परमा के जो कुछ भी आप पाते हो, या तो वो आप गाना गाए और फिर पड़े रहे पलंग, और या फिर
कुछ